पर्व के अंतिम दिवस नौमी तिथि की रात माता रानी के भक्तों की मस्ती आसमान छू रही थी। इसी दौरान कई स्थानों पर आकर्षक रंगारंग गरबा महोत्सव आयोजित किया गया। समाजवाद नगर में गरबा उत्सव का समापन नृत्य और नाटिकाओं के साथ किया गया। मां आदिशक्ति के नवरात्र महापर्व का गुरुवार महानवमी पर्व के अवसर पर समापन हो गया। इंदौर शहर के समाजवाद नगर में नवमी महापर्व की रात छोटी छोटी बालिकाएं एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुतियां दे रही थी। इस दौरान नगर की मातृशक्तियों ने भी ओपन गरबा महोत्सव में मां के समक्ष आकर्षक प्रस्तुति दी। नवमी महापर्व की रात विधायक आकाश विजयवर्गीय ने जय अम्बे नवदुर्गा उत्सव समिति समाजवाद नगर के आयोजन में शिरकत कर भजन की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान जय अम्बे नवदुर्गा उत्सव समिति समाजवाद नगर इंदौर के संरक्षक वरिष्ठ अभिभाषक संजय शर्मा का संदीप राठौर और उनकी मित्र मंडली के द्वारा साफा बांध कर स्वागत किया गया। आयोजन में प्रसिद्ध भजन गायक बाबू राजौरिया और उनकी टीम ने भी शानदार प्रस्तुतियां दी। शहर के समाजवाद नगर में जय अम्बे नवदुर्गा उत्सव समिति के द्वारा महाकाली के रूप में माता रानी की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई थी। यहां लगभग 200 बालिकाएं माता रानी के दरबार में गरबा कर रही थी। गरबा उत्सव के दौरान जहाँ रोजाना एक से बढ़कर एक गीतों पर शानदार गरबे की प्रस्तुतियां दी गई थी, महाअष्टमी की रात यहाँ गरबा उत्सव का वह अनूठा रंग जमा जिसे देखकर हर भक्त माता रानी के प्रांगण में मस्ती में झूम उठा। यहाँ पर पारंपरिक भक्ति गीतों पर बालिकाएं आदि शक्ति के समक्ष गरबा उत्सव कर मां की आराधना करती है। वहीं नवमी की रात राधा कृष्ण का शानदार नृत्य और उसी के साथ हनुमान जी श्री राम भक्ति की प्रस्तुति भी बहुत ही शानदार तरीके से दी गई। इसके बाद राम रावण युद्ध की प्रस्तुति के साथ ही रावण का अंत और भगवान श्री राम की विजय का दृश्य यह साकार हो उठा। यह सभी प्रस्तुतियां प्रसिद्ध भजन गायक बाबू राजौरिया और उनकी टीम के द्वारा यहां पर दी गई। गरबा उत्सव के समापन पर यहां रोजाना माता रानी की महाआरती की जाती है। इस महाआरती में नगर के हजारों नागरिक भाग लेते हैं। आयोजन समिति के प्रमुख वरिष्ठ अभिभाषक संजय शर्मा और सिकंदर बिल्लोरे ने बताया कि आयोजन का यह सफलतम तीसरा साल है। आयोजन समिति से जुड़े दीपेश राठौर ने बताया, समिति द्वारा महानवमी के पावन पर्व पर महाआरती एवं छप्पन भोग प्रसादी के साथ विशाल कन्या भोज का आयोजन किया गया।